नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आपके लिए ले आई हूँ एक और सिंधी रेसिपी जिसका नाम है भुगियल पुलाव, और इसको सर्व करेंगे आलू के साथ। हिंदी में इसे बोल सकते हैं भुना हुआ ब्राउन पुलाव। और रेसिपी अच्छी लगे तो कैंडी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कटोरी चावल। मैंने यहाँ चावल को धो लिया है लेकिन मैंने इसको भिगो के नहीं रखा है। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे तेल। तेल के बाद हम डालेंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें मैं डालूंगी जीरा। इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता, 3-4 काली मिर्ची, स्टार अनाइस, एक बड़ी इलायची और एक लौंग। इसको धीमी आंच पे हम आधा मिनट के लिए भून लेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज कटे हुए प्याज। अब हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। ये पुलाव का मेन एसेंस प्याज है, इसलिए प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है। तो इस तरीके का हमें गोल्डन कलर चाहिए प्याज का। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला पाउडर, इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 3 कप पानी। हमने जो 1 कप चावल लिया था वैसे ही 3 कप पानी डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब हम डालेंगे चावल। अब चावल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये वाली जो प्रोसेस है हाई फ्लेम पर होगी। जब आपको लगे कि चावल का पानी जो है सूखने लगा है तब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद जो आँच है उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे एंड लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। और ये 10-15 मिनट में आसानी से आपके जो चावल हैं पक जाएंगे। 10 मिनट के बाद हमारा जो पुलाव है बनके रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। ये जो पुलाव है हम दही के साथ या तो फिर आलू के साथ सर्व करते हैं। अब हम बनाएंगे गोल आलू। अब हम एक पैन में तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें गोल कटे हुए आलू डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 आलू लिए थे और इसको हाई फ्लेम पर हम फ्राई कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे सो दैट आलू में नमक अच्छे से जा सके। हमारे जो आलू हैं कुक हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करने हैं, बस हमें आलू कुक करने हैं। अब हम इन्हें ऑयल एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल देंगे सो दैट जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सोक हो जाए। अब हम पैन में थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे और इसको 30-40 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे। और इसमें डालेंगे फ्राइड आलू और इसके बाद हम डालेंगे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, आमचूर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हम डालेंगे नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद हमारे जो आलू हैं बनके रेडी हो चुके हैं। अब इस पुलाव को गरम गरम सर्व करिएगा इन आलू के साथ और दही के साथ। एंड उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।